पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने प्रदेश की पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के 15 सालों के सुशासन की याद दिलाते हुए प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भूपेश बघेल सरकार को छोटी आबादी की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑनलाइन सट्टा का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 वर्षों के दौरान किए गए सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सामान्य चुनाव नहीं है, यह छत्तीसगढ़ की सुनहरी भविष्य का आधारशिला रखने वाला चुनाव है। आप शराबबंदी नहीं करेंगे, इसका कारण क्या बता रहे हो? कुछ लोग सैनिटाइजर पी गए हैं, इसके हम शराबबंदी कर रहे हैं। तो आप नहीं मानते कितना कांग्रेस 3 करोड़ जो जनता है सब शराबी है। शराबबंदी तो होनी चाहिए ना। शराबबंदी होनी या नहीं ये विषय नहीं, शराबबंदी की इन्होंने घोषणा किया था और वो उन्होंने नहीं। उसी देश में ये सरकार बनाए, उनके जितने वादों ने ये भी और इससे हमने कहा ये दूसरा बचा बीजेपी को नहीं कर पा रहे थे मोदी जी ने। 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार, भूपेश सरकार ने इस जनता के साथ जो झूठ बोला और जो लूट किया उसका पूरा उसमें प्रमाणित दस्तावेज है। ये पहली बार हो रहा है कि हमारे दो दो विधायक उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप न्यायालय में प्रस्तुत हो गए हों, आरोप पत्र प्रस्तुत हो गए। कांग्रेस पिछले समय तमाम घोटाले, कोयले के, शराब के, अभी नया महादेव सत्ता का चल रहा है, और कांग्रेस पिछले 5 वर्षों में